होली का त्यौहार हो और घर में गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका आज आपके लिए लाई हूँ बिना सांचे के गुजिया की एकदम परफेक्ट रेसिपी। अगर आपका भी गुजिया तलते टाइम फट जाता है या फिर क्रिस्पी नहीं बनता है, तो आज मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप भी एकदम परफेक्ट गुजिया घर पर बना लेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी को हम कैसे बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ आटा लगा लेंगे, तो जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। अगर वजन में देखेंगे तो ये लगभग 500 ग्राम मैदा है और इसमें हमें मोयन लगाना है, तो मोयन के लिए हमने लिया है 1/4 कप देसी घी। तो अगर आप देसी घी यूज करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आप चाहें तो इसे तेल का भी मोयन दे सकते हैं, लेकिन घी के मोयन देने से ये ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बनेगा। तो इसे हम अच्छी तरीके से मैदे में मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैदा ही यूज किया क्योंकि मैदे से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से हमें अच्छे से मैदे को मिला लेना है और हमें ऐसे मुट्ठी बना के देखना है। अगर ये हमारा अच्छे से मुट्ठी बंध जाए, ये देखिए, अगर मैदा हमारा अच्छे से बंध जाए तो समझ लीजिए मोयन एकदम परफेक्ट। तो अब हमें इसका आटा लगा लेना है। इसके लिए मैंने पानी को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। धीरे धीरे पानी को हम डालेंगे और इसका एक आटा लगा लेंगे। आटा हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है। तो ये देखिए, यहाँ हमने आटा लगा लिया है। अब हमें इसे ढक देना है, 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। और आइए अब हम गुजिया की स्टफिंग तैयार करते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे, जिसके लिए मैंने देसी घी को गर्म किया और इसमें डालेंगे घिसा हुआ नारियल। मैंने यहाँ सूखा वाला नारियल लिया है और उसे घर पे ही घिस लिया है। आप चाहें तो इसमें जो नारियल का बुरादा आता है ना मार्केट में, उसे भी यूज कर सकते हैं। तो हमें इसे थोड़ी देर के लिए भून लेना है, इससे हमारे गुजिया में एक अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही बिना भूने भी यूज कर सकते हैं, लेकिन भूनने से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। नारियल हमारा भुन चुका है, इसका कलर भी देखिए आप चेंज हो गया है। तो हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और सेम वही पैन में फिर से हमने डाला है देसी घी। घी हमारा गर्म हो गया है। अब आइए हम बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1/4 कप बादाम काट के और 1/4 कप डाला है काजू और लगभग 1 चम्मच के करीब डाला है चिरौंजी। अब हमें इसे धीमी आँच पे हल्का सा भून लेना है, जैसे ही थोड़ा थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए ना, बस इतना ही हमें भूनना है। आप ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छा लगे आप उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने भून लिया है और आइए अब हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हमने लिया है खोया, जिसे हम मावा भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे घर का खोया यूज किया है, तो हम इसे नहीं भूनेंगे। अगर आप मार्केट से खोया लाए ना, तो इसे भी हल्का सा घी डालकर आप भून लीजिए। तो लगभग 700 ग्राम के करीब मैंने यहाँ खोया लिया है और इसमें हम डालेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने अभी भून के रखा हुआ था ना। तो सबसे पहले हमने डाला है इसमें नारियल भुना हुआ। इसके बाद हमने जो काजू बादाम और चिरौंजी को भुना था ना, उसे डाल देंगे। और यहाँ मैंने 10 से 12 इलायची को कूट के डाल दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिठास के लिए चीनी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब पिसी चीनी डाली है और इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी भी भून के डाल दीजिए, इससे हमारी गुजिया फटेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पे सूजी नहीं डाला है क्योंकि उसका टेस्ट मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं लोग। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लिया है और मैंने इसे टेस्ट किया था, ये थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है मुझे, तो हम थोड़ा सा चीनी इसमें और ऐड करेंगे। तो इस स्टेज पे आप इसे बना के अच्छे से टेस्ट कर लीजिए, इसमें मीठा भी आप इसी स्टेज पे चेक कर लीजिए। तो ये देखिए, अब हम चलते हैं इसकी गुजिया बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है और ये देखिए ऐसे पेड़े बना के रख लेना है। तो एक पेड़ा हम लेंगे और इसे हम अच्छे से बेल लेंगे। तो इसमें मैंने सूखा आटा भी यूज नहीं किया है, इसे ऐसे ही हमें बेलना है। ये इस तरीके से भी आसानी से बेल जाएगा। तो ये देखिए, इसे हमें पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा हम गुजिया नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारी गुजिया कच्ची रह जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे 1 चम्मच स्टफिंग।
इसके बाद हम किनारे किनारे इसके ऐसे पानी लगा के इसे चिपका लेंगे, जैसे कि तलते टाइम ये फटे ना। ये ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग हमारे किनारे ना आए, नहीं तो ये तलते टाइम ना ये खुल जाएगा। और इस तरीके से फोल्ड करके हमें अच्छे से इसे चिपका लेना है हाथों से, एक बार लेफ्ट टू राइट और फिर राइट से लेफ्ट की तरफ हम इसे चिपका लेना है। तो हम बिना सांचे की गुजिया बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप फोर्क से ना इस पर ऐसे डिज़ाइन बना लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा गुजिया एक बार और लॉक हो जाएगा और खुलेगा नहीं, और इसमें एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से फोर्क से हम इसमें अच्छा सा डिज़ाइन बना लेंगे। तो लग रहा है ना सांचे वाला गुजिया। और इसके बाद मैं आपके साथ एक दूसरा तरीका शेयर करती हूँ, जिसमें सेम मेथड से हम गुजिया भरेंगे और इसे चिपकाएंगे। उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से हमें अपने अंगूठे से इसे प्रेस करते जाना है और फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, थोड़ा सा मैदे को हम ऐसे हाथों से लेंगे, इसे प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसे फोल्ड करते जाएंगे। तो ऐसे प्रेस एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे एक डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, लग रही ना बाजार वाली गुजिया, जैसे मार्केट में मिलती है इस तरीके से। और अगर आप ढेर सारा गुजिया बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप कॉटन के कपड़े पे गुजिया को फैला दीजिए और इसे ढक दीजिए, नहीं तो अगर इसमें हवा लग जाएगा ना तो ये फ्राई करते टाइम खुल जाएगा। गुजिया हमारा बन गया है, इसे हम फ्राई करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे देसी घी डाला है एक कढ़ाई में। आप इसे आधा घी और आधा तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में बनाने से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो घी हमने मीडियम गरम कर लिया है और इसमें हम 1 by 1 करते हुए गुजिया को डालेंगे। तो हम ज़्यादा गुजिया एक बार में नहीं डालेंगे, नहीं तो अगर हमारा एक गुजिया फटेगा ना तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो पहले ऐसे 4-5 गुजिया डालिए और इसे इस तरीके से स्पून की हेल्प से हम पलट लेंगे। इसे बार बार नहीं चलाएंगे, मीडियम आंच पे हम इसे फ्राई करेंगे। आंच को भी हम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा गुजिया कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए, गुजिया हमारा तैयार है। कितना अच्छा कलर आया है ना, तो आ रहा है ना मुँह में पानी। तो आप आइए, अब हम इसका सेकेंड बैच भी निकाल लेते हैं। तो देखा आपने, कितना क्रिस्पी और गर्मा गर्म गुजिया बनाकर तैयार कर लिया हमने, और एक भी गुजिया हमारा फटा भी नहीं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गुजिया जब हम फ्राई करें तो मीडियम आंच पे फ्राई करें और एक बार में ज़्यादा गुजिया ना डालें। इस तरीके से एक बार गुजिया बना के ज़रूर देखिएगा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।